चलिए जोहार, मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार। हम लोग अभी वर्ल्ड मैप पे चर्चा करेंगे। पूरा महादेश में हम लोग एशिया की चर्चा कर चुके थे, एक बार फिर से आप इसको सतही तौर पर देख लें। यहाँ पर एक यूराल पर्वत है, इसके इधर के पार्ट का नाम एशिया है, इधर के पार्ट का नाम यूरोप है, ये आ गया उत्तरी अमेरिका, ये आ गया दक्षिणी अमेरिका, ये आ गया अफ्रीका, ये आ गया ऑस्ट्रेलिया, ये आ गया अंटार्कटिका। गड़बड़ाओगे इसमें बंधु, अंटार्कटिका। ये इतना महादेश हुआ। तो ये महादेशों में हम लोग अभी एशिया का देख चुके हैं काम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम लोग देखेंगे उत्तरी अमेरिका को, इतने बड़े भाग को काट के अलग कर रहे हैं जो रिलेटेड है उत्तरी अमेरिका से। तो उत्तरी अमेरिका एक महादेश है। महादेश किसको कहें? महादेश उसको कहेंगे जिसके अंदर बहुत सारा देश हो। तो इस महादेश में कौन कौन सा देश है, पहले हम लोग देखेंगे देश को। ये जो देख रहे हो ये अलास्का है। ध्यान रखना, अलास्का कोई कंट्री नहीं है, अलास्का एक राज्य है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। ये 49वां राज्य है। अभी हम लोग यूएसए को देखेंगे। यहाँ पर कोई ज़मीन जायदाद, समतल मैदान, उपज की क्षमता, ये सब कुछ भी नहीं है यार, सिवाय पहाड़ पत्थर नदी नाला के कुछ नहीं है, जमा हुआ बर्फ है। लेकिन इसका पोजिशनिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है, धरती गोल है। तो ये पार्ट और एशिया का वो पार्ट दोनों को कर दो तो कवर करेगा, टेली करेगा, सटेगा। और ये पार्ट कभी हुआ करता था रूस का, रूस ने इसको बेच दिया यूएसए के हाथों में। ये एक प्रकार से बहुत बड़ी गलती थी रूस की। यहाँ से यहाँ आओ, ये पार्ट आता है तुम्हारा अमेरिका की, कनाडा का। तो ये जो पार्ट आता है कनाडा का, यहाँ का ये पार्ट जो आ गया कनाडा का, उम्मीद है कि नज़र आ रहा होगा, ये पार्ट हो गया अलास्का। अलास्का के बारे में बोले कि ये यूएसए का 49वां राज्य है। इस पार्ट का नाम क्या हो गया? कनाडा। और इसका नाम है यूएसए, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ध्यान रखना, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, ये जब आज़ादी मिली थी तो यहाँ पर 14 कंट्री थे। इसका नाम यूएसए क्यों पड़ा मैं वो बतला रहा हूँ। इन 14 कंट्री को आपस में मिलाकर एक देश बनाया गया, जैसे ठीक वैसे ही जैसे भारत को जब आज़ादी मिली थी तो यहाँ पर 542 रियासत था। उन 42 रियासतों का विलय भारत में किया गया, ठीक उसी तरह से यहाँ 14 कंट्री को मिलाया गया। और मिलाने के बाद लोग आपस में ही लड़ने लगे। लड़ने का मूल कारण यह था कि इस भूभाग का नाम मेरे कंट्री के नाम पर हो। लास्ट में हुआ ना मेरे नाम ना तेरे नाम, ये रहेगा महादेश का के नाम। और चूंकि 14 कंट्री को मिलाया गया था, असेंबल किया गया था, यूनाइट किया गया था, इसलिए वर्ड जुड़ा यू, कंट्री था एस, और महादेश के नाम पर ये। जो अमेरिका अमेरिका हम लोग बारम्बार बोलते हैं वो इसी भूभाग को बोलते हैं, दैट इज़ यू एस ए। यही कारण है कि यहाँ के नेशनल फ्लैग में हम लोग 14 पट्टी पाते हैं, 14 पट्टी पाते हैं, और वो 14 पट्टी एक अलग अलग राष्ट्र को निरूपित करता है, इंडिकेट करता है। यहाँ से यहाँ ले लो, इस पार्ट का नाम है मैक्सिको। क्या नाम बोले? मैक्सिको। ध्यान रखना, इस पार्ट का नाम क्या हो जाता है? मैक्सिको। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पार्ट आ जाता है पनामा। जरा इसी पार्ट को हम लोग वर्ल्ड लेवल के मैप पर देखिए, तब और स्पष्टता नज़र आएगा कि ये महादेश में जो पूरी बात आ जाती है उसका क्या फीचर होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर साफ दिखेगा, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर एक पार्ट हो गया अलास्का,
ई पार्ट हो गया मोटे तौर पे कनाडा, ये पार्ट हो गया यूएसए, ई पार्ट आ गया मैक्सिको। यहाँ ज़रा देखिए, ई पार्ट में लगता नहीं है कि अगर काट दिया जाए तो दाएं से इधर और इधर दोनों तरफ आया और जाया जा सकता है। यही काम लोगों ने किया। यहीं पर एक कंट्री है पनामा, यहीं पर एक कंट्री है पनामा और उसी के नाम पर नहर है पनामा नहर। और यहाँ पर आ जाता है ग्वाटामाला, ग्वाटामाला इस साइड आ जाता है होंडारूस। ये सब मत दिमाग में रखना, नहीं पूछता है। निकारागुआ छोटा छोटा कंट्री है। और ये आ जाता है अल सलवाडोर। मतलब आपको मूल रूप से इस को दिमाग में रखना है। यहाँ तक ये आ गया, ये ग्वाटामाला, होंडारूस, निकारा, अल सलवाडोर, निकारागुआ, ये सब कंट्री, छोटे छोटे कंट्री यहाँ पर हैं। ज़्यादा दिमाग में लगाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रहे, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में ये जो भूभाग यहाँ पर आप पाते हो, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। बीच के भूभाग पर जो है उसी को कहा जाता है लैटिन अमेरिकी देश। तो एक बार रिपीट मार लो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऊपर हो गया अलास्का, फिर आ गया क्या कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, नीचे आया पनामा, वहीं पर है पनामा नहर। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग किया और पनामा नहर ने इस अटलांटिक और प्रशांत को आपस में मिला दिया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब इसकी हम लोग चर्चा करेंगे फिजिकल पार्ट की। निश्चित रूप से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित कर दें। जय हिंद, जय भारत।